जब भी क्रिमेट करने के बाद जब भी मैं आता हूँ, मुझे ये देखने को मिलता है कि डेड बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बचा रहता है। इस विषय में मैंने PHQ में भी मैंने बात की कि ये शमशान घाट आने वाले समय में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत हॉट एरिया बन सकता है। सिटीजन मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया है और मैंने रिपोर्ट भी किया है DA को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। अभी ये पूरी बात जाता है सरकार पर। आप लोग आज हमें जो ये क्लीनेस ड्राइव करा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वो जो साफ़ सफाई का जो प्रोग्राम है, एक्चुअली सबको तो शमशान घाट का सिचुएशंस और हालात तो मालूम ही है। हर बार तो गंदगी रहता ही है, तो बस उसी लास्ट टाइम जिस प्रकार से सोचा कि साफ़ सफाई, तो इस बार भी वही है कि गंदगी इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जब भी डेड बॉडी लाता है तो बरीद करने का भी जगह नहीं है, तो हम लोग इस साफ़ सफाई का मेन मकसद है कि एटलीस्ट अभी नेक्स्ट डेड बॉडी आएगा तो उसको बरीद कहाँ किया जाए और कहाँ कहाँ अभी तक भरीत नहीं किया है, तो वो साफ सफाई के साथ साथ वो एरिया भी हम लोग देखने के लिए, ये साफ सफाई का प्लान हम लोग ने किया था। लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ आया था तो हम लोग ये लैंड के बारे में कासो सर से मिला था, एडवाइजर टू द CM तय तय सर से मिला था, तो अभी वो वाला इशू में अभी अपडेट किया है। एक्चुअली वो इशू अभी अपडेट, तो एक्चुअली सच बोलने से अपडेट मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं है ऐसा, क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू मैंने अपना ऑनरेबल MLA के साथ मैंने देखा था, कासो साहब के साथ में, तो उसने भी कहा है कि वो हैंड ओवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि कासो साहब की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी को भी हैंड ओवर कर दे। पता नहीं अभी कासो साहब और गवर्नमेंट के बीच में क्या चल रहा है, ये तो हमको नहीं पता। बट मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि अपने राज्य सरकार को भी और कासो साहब को भी कि ये शमशान घाट को यूं ही अबेंडन ना करें, क्योंकि हालात बहुत बुरा है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा बुरा है। सड़क से लेके क्रमेशन से लेके बड़ियल से लेके इलेक्ट्रिक क्रमेटेरियम से लेके बाथरूम से लेके पानी से लेके हर चीज़ का हालत बहुत बुरा है। अगर ये बेहतर हो और हमारा लोगों को बेहतर सेवा मिले, तो मैं काशो साहब से भी मैं बहुत दिल से और मन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हैंड ओवर करवा दे इंडिपेंडेंटली सरकार को या किसी को भी, और सरकार भी इसके ऊपर में सोचे और काशो साहब के साथ बात करे और इंडिपेंडेंटली इसको रन करे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट तो रहेगा। रिगार्डिंग दिस इशू, हैव यू बीन टच विद द गवर्नमेंट, विद द MLA? आप लोग जाके पर्सनली मिला है क्या? नहीं, इसके साथ पर्सनली ऐसा नहीं है। अभी अपना जो ऑनरेबल जो CM का जो एडवाइज़र सर है ताई तगक सर, वो विजिट भी किया था और उसने भी इसकी सिचुएशन देख के बहुत दुख जताया, और फिलहाल अभी वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि ये जो शमशान घाट है ये बहुत बेहतर शमशान घाट बने, ये क्रमेशन और बरियल ग्राउंड बहुत बेहतर बने, वो भी चाहते हैं। तो वो भी अपने लेवल पर वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट तो वैसे आया नहीं, तो मेरी टच अभी उनके साथ ही है कि बेहतर बन जाए, सो टच तो अभी उनके साथ ही चल रहे हैं। जैसा अभी ये क्रिमेशन ग्राउंड का कोई भी डिपार्टमेंट या फिर कोई भी वो इंचार्ज नहीं है, तो जो यहाँ में जो बॉडीज लाया जाता है, क्योंकि यहाँ में कोई है ही नहीं अभी यहाँ पे ग्राउंड में, तो जो बॉडीज लाया जाता है वो लोग का ये इंस्पेक्शन कैसा किया जाता है? मतलब नेचुरल डेथ है या बीमार बीमार से मरा हुआ है या फिर मर्डर हो, तो उसका ऊपर में आप पुलिस को लेके, आप लोग कुछ पुलिस लोगों के साथ एस्पेशल लोगों के साथ में कुछ? एग्जैक्टली, एक्चुअली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है, क्योंकि इसी को ही लेके मैंने कई मरतबा मैंने कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने लिखा, कैपिटल पुलिस को भी मैंने लिखा, मैंने इस विषय में मैंने PHQ में भी मैंने बात की कि ये शमशान घाट आने वाले समय में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत हॉट एरिया बन सकता है। क्योंकि मैंने पिछले बार भी कहा था, अगर हम बाकी स्टेट की शमशान घाट देखेंगे कि डेड बॉडी को जब लेके आता है, जैसे आपने कहा कि डेड बॉडी लाता है तो उनका वेरिफिकेशंस क्लियरिफिकेशंस कौन करता है, यहाँ तो करने वाला तो है नहीं। तो बाकी स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई आप डेड बॉडी लाता है तो सबसे पहले डेड बॉडी का डेथ सर्टिफिकेट देखा जाता है, कहाँ मरा, कैसे मरा, क्या बीमारी से मरा, कौन सा हॉस्पिटल में मरा, मरने का क्या टाइमिंग था, सारा उस क्लैरिफिकेशंस के बाद, डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर होने के बाद ही उनको बरी किया, क्रिमेट के लिए उनको परमिशन दिया जाता है। बट दुख की बात है कि हमारा ICR में, ईटानगर के शमशान घाट में, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। कोई भी आता है, कोई भी समय में आता है, बरीद करता है, क्रिमेट करके जाता है, और सबसे बड़ी दुख की बात, कोई भी लोग क्रिमेट करते हैं तो प्रॉपरली क्रिमेट नहीं करता। हर जब भी क्रिमेट करने के बाद जब भी मैं आता हूँ, मुझे ये देखने को मिलता है कि डेड बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बचा रहता है, फुल क्रिमेट नहीं होता। कोई ना कोई बॉडी को बरीद करेगा तो डीपली वो खुदाई नहीं करता है, बहुत कम खुदाई करता है, या तो एनिमल्स आता है, ये बात भी मैंने काफ़ी बार बोला, एनिमल्स आता है बॉडी को बाहर निकालता है, चीर पार के खाता है, बॉडी का जो अंग रहता है ना, पार्ट्स इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ रहता है, तो ये सब बहुत दुख की बात है। और कितने बार तो आपको मैं आप देख सकते हैं, जब ऊपर से नीचे जब आता है तो सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा क्रिमेट किया गया है। अभी वो लीगली सही है या गलत है तो मैं नहीं जानता, या वो किसी का सच में कोई रिलेटिव्स मर के, बीमार से मर के उसको
क्रिमेट कर किया है या किसी को किडनैप करके मार के या जलाया गया था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये सिचुएशन बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसको लेके मैंने तो अपने साइड से एज ए सिटीजन मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया है और मैंने रिपोर्ट भी किया है डीए को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। अभी ये पूरी बात जाता है सरकार पर, और साथ ही साथ मैं तो अपने पब्लिक से भी अपील करूँगा कि इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार तक ही नहीं है, हम लोगों के ऊपर भी है। आप देख सकते हैं अभी साफ सफाई में ये गंदगी सब कहाँ से आया, हमारे लोग ही करते हैं। डेड बॉडी दफनाते हैं, बरीड करते हैं, सामान गया पैक के जाते हैं, यहाँ में आके इन लोग ने दारू पीता है, बहुत सारा कैन का बॉटल्स है, विस्की का बॉटल्स है, यहाँ में बहुत सारे उनके जुड़ा हुआ कपड़ा है, सामग्री है, पैक के जाता है। तो गंदगी भी हम लोग ही कर रहे हैं। तो मैं अपने लोगों से भी बोलूँगा कि जिम्मेदारी प्लीज़, कुछ कुछ जिम्मेदारी हमारे भी होता है, हम लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को सिर्फ तोपते नहीं रहना चाहिए और तोपना सही नहीं है। ये इशू आने के बाद कुछ डिफरेंसेस आया है, ये डेवलपमेंट कुछ भी नहीं? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोस्ट अभी बना है, बहुत लड़ने के बाद, झगड़ने के बाद, उंगली टेढ़ी करने के बाद अब जाके एक इलेक्ट्रिक पोस्ट बना है। और पता नहीं ये किस पर्पस के लिए बना है तो नहीं पता, क्योंकि हम लोगों का मेन मुद्दा था कि इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो। दूसरी बात है यहाँ पे एटलीस्ट वॉल बने ना बने, लेकिन एक चेक गेट ऊपर बने शमशान घाट का एंट्री में, और वहाँ कोई सिक्योरिटी बैठाया जाए कि कोई भी आ रहा है तो उसका प्रॉपरली एंट्री हो, और यहाँ पर वीकली साफ सफाई होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके मैंने कहा था, लेकिन अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं है, वैसे का वैसा ही है, सड़क वैसे ही है, टॉयलेट वैसे ही है, पानी का कोई सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम ऐसे ही डिपंक पड़ा हुआ है, आप माहौल वैसे ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस ये इलेक्ट्रिक पोस्ट लगाने के अलावा कुछ बदलाव नहीं आया। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पोस्ट डाला गया है यहाँ पर, जो सुविधा डाला गया है, ये डालने के बाद भी ये इंस्टॉल क्यों नहीं है, कुछ तो टेक्निकल इरर है ना, कुछ तो टेक्निकल इश्यूज है, या तो ये जो वोल्टेज नहीं ले पा रहा है या नहीं ले पाएंगे, ये इशू भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी पावर वोल्टेज नहीं होने के कारण या कुछ हम लोगों का टेक्निकल इरर के वजह से ही ये इलेक्ट्रिक क्रिमेटेरियम अभी तक बना नहीं है, तो ये एक इशू हो सकता है। सो मैं तो पहले भी बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, कंट्रैक्टर की हो, आम पब्लिक की हो, ये हम सब की है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको कितना सुंदर से बनाया जाए। और मैं तो सरकार से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक अपील ज़रूर करूँगा, अगर इसको बना नहीं सकता तो बंद करवा दीजिए, सिंपल सा चीज़ है। हाँ, जनता को तकलीफ होगा, लेकिन अगर आप चलाना है तो उसको बेहतर से चलाइए, सुंदर से चलाइए, अगर नहीं चलाना है तो बंद कर दीजिए। बंद इसलिए कर दीजिए कि मैंने शुरुआत में भी कहा, ये आने वाला समय में बहुत एक हॉट एक क्रिमिनल एक्टिविटी एरिया बन सकता है, और ड्रग्स वाला तो आता ही है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं, आके पी के मस्त यहाँ सोके बैठता है, तो इनके लिए भी एक इश्यूज बन सकता है। तो आने वाला समय में हमारे आईसीआर में ऐसा कोई दुर्घटना ना घटे, सिचुएशंस क्रिएट ना हो, तो बेहतर है कि अगर इसको बेहतर नहीं बना सकता तो बंद कर दीजिए, अगर बंद नहीं करता तो चलाए, क्योंकि मेरे से इंडिविजुअली वॉलंटरली जो हो पा रहा है मैं सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक लिमिट है, मैं भी कब तक करूँगा ना। आज भी आप देख सकते हैं सोशल सर्विस में कितने लोग आया, गिना चुना, दुख लगता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सफाई वो जगह में जाके कीजिए लोग, जहाँ ज़रूरत है। आप अभी गोम्पा में सफाई करते हैं, आईजी पार्क में करेंगे, आप गंगा लेक में जाके करते हैं, वहाँ तो अनगिनत नहीं बुलाने वाला भी पहुँच जाएंगे, लेकिन शमशान घाट का इश्यूज होता है तो कोई नहीं आएगा साफ सफाई के लिए। ये तो लोग क्या सोचता होगा, क्या मानसिकता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपील ज़रूर करूँगा कि आप समाज में जो चीज़ टुकराया जाता है, जो चीज़ को अबेंडन किया जाता है, उस पर काम कीजिए, उस पर आप लोग इंटरेस्ट जताइए। तो मेरे तो एक रिक्वेस्ट है, अगले बार शमशान घाट में कुछ ऐसे साफ सफाई का प्रोग्राम हो तो प्लीज लोग आगे आए, अपना समझ के आए, अपने लोगों के लिए सोच के आए और साफ सफाई में अपना योगदान दे, ऐसे रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा।